दोस्तों, हमारे भारत देश में अनेकों मंदिर है जो हर मंदिर में अलग अलग चमत्कारी रहस्य देखने को मिलते हैं। लेकिन आज मैं भारत का एक ऐसा मंदिर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिस पर छत लगाने से भी छत नहीं लग रही है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा नगर है और एक ऐसा मंदिर है जहाँ छत लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन भगवान की कृपा और भगवान के समय चमत्कार के कारण इस पर छत नहीं लगाई जा रही है। वो कौन सा मंदिर है, कहाँ पर है, किस राज्य में है और किस स्थान पर है, ये सभी मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। चले चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उस चमत्कारी मंदिर के बारे में। दोस्तों, बात की जाए तो हिमाचल के मंडी जिला में 2850 मीटर की लंबाई पर बना हिंदुओं और सिखों की आस्था का केंद्र शिकारी देवी मंदिर, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। आज तक कोई भी शख्स इस मंदिर की छत नहीं लगवा पाया। कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ सालों तक तपस्या की थी। उन्हीं की तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा शक्ति रूप में स्थापित हुई थी। बाद में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान मंदिर का निर्माण किया। पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी। माँ दुर्गा तपस्या से प्रसन्न हुई और पांडवों को कौरव के खिलाफ युद्ध में जीत का आशीर्वाद दिया। इस दौरान यहाँ मंदिर का निर्माण तो किया गया मगर पूरा मंदिर नहीं बन पाया। माँ की पत्थर की मूर्ति स्थापित करने के बाद पांडव यहाँ से चले गए। यहाँ हर साल बर्फ तो खूब गिरती है मगर माँ के स्थान पर कभी भी बर्फ नहीं टिकती, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र वन जीवों से भरा पड़ा है, इसलिए शिकारी अक्सर यहाँ आने लगे हैं। शिकारी भी माता से शिकार में सफलता की प्रार्थना करते थे और उन्हें कामयाबी भी मिलने लगी। इसी के बाद इस मंदिर का नाम शिकारी देवी के नाम से पड़ गया। मगर सबसे हैरत वाली बात यह है कि मंदिर पर छत नहीं लग रही है। कहा जाता है कि कई बार मंदिर पर छत लगवाने का काम शुरू किया गया, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम रही। माता की शक्ति के आगे कभी भी छत नहीं लग पाई। आज भी हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर तक पहुँचने का रास्ता बेहद ही सुंदर और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस चमत्कारी मंदिर का रहस्य को कोई छत लगवा सकता है या नहीं? आप हमें कमेंट में बताएं। और आपके सामने एक सबसे बड़ा यानी कि प्रश्न खड़ा हो रहा है कि इस पर चुनाव आने वाली है और संसद का चुनाव हो रही है, इसमें कौन पार्टी जीत सकती है, बीजेपी या कांग्रेस? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चले दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।